झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वाणिज्य विभाग ने आज कहा है कि 13 मई या इससे पहले सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जांची गई उनके सिस्टम पर पंजीकृत गेहूं की खेपों को भारत से निर्यात किए जाने की अनुमति दी जाएगी। इस घोषणा से कुछ दिन पहले ही गेहूं के स्टॉक में कमी रोकने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी प्रकार के गेहूं निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के चंद दिनों बाद ये घोषणा की गई। देश की संपूर्ण खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करने और पड़ोसी देशों की जरूरतों में मदद करने के लिए ये फैसला किया गया था। ये आदेश 13 मई को जारी किया गया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार ने मिश्र जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति प्रदान की है, जिसकी पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लदाई हो रही थी। कांडला बंदरगाह पर लदाई की जा रही गेहूं की खेपों को अनुमति दी जाने के मिश्र सरकार के अनुरोध के बाद ऐसा किया गया है। बयान में कहा गया कि मिश्र को गेहूं का निर्यात करने में लगी कंपनी मेशर्स मेरा इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी 61,500 रुपये टन गेहूं की लदाई पूरी करने के लिए बात रखी थी, जिसमें से 44,340 टन गेहूं की पहले ही लदाई की जा चुकी थी और केवल 17,160 टन की ही लदाई बची थी। सरकार ने 61,500 टन की पूरी खेप को अनुमति देने का फैसला किया है और इससे कांडला से मिश्र भेजे जाने की अनुमति दी गई है। वहीं निर्यात प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि ये फैसला पड़ोसी और कमज़ोर देशों की ज़रूरतों में मदद करने के लिए किया भी गया है, जो गेहूं के लिहाज से वैश्विक बाजार में अचानक हुए बदलावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।